नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की गिल आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया 45x49 फीट में घर का नक्शा। प्लॉट की लोकेशन की बात की जाए तो ग्राम दुणौदा, जिला जींद, हरियाणा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं मेन गेट की। मेन गेट हम इस कॉर्नर पर ही दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड में ये हमारी गली है। और इसके अलावा चारों साइड अदर प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसलिए हम गेट का प्रयोग इस यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है 11 फीट का फ्रंट ओपन और यहाँ से हमें 9 फीट का फ्रंट ओपन मिलता है। फोर व्हीलर व्हीकल हमारा एक यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, और इसके अलावा एक व्हीकल हम यहाँ स्टेयरकेस के नीचे भी, यह हमारा एंट्रेंस गेट है। जैसे ही एंटर करते हैं तो फैमिली हॉल हमें 17 फीट 9 इंच इंटू 18 फीट 3 इंच का मिलता है। शानदार हॉल है, आप देख सकते हैं। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं किचन है। किचन 10 फीट 3 इंच इंटू 11 फीट का है। ये हमारा स्लैब दिया गया है, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम इसको। यहाँ पर हम अपना सिंक लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम चिमनी वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रिज के लिए हो गया दोस्तों, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो दिया गया है फ्रंट साइड में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं फैमिली हॉल के राइट साइड में एक ड्राइंग रूम दिया गया है दोस्तों। ड्राइंग रूम में ग्लास डोर का प्रयोग किया गया है हमने यहाँ पर। वेंटिलेशन के लिए विंडो बैक साइड में दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं दोस्तों। और मेन एंट्रेंस के अलावा हमने एक डोर यहाँ से स्टेयर केस के नीचे से दिया गया है दोस्तों ड्राइंग रूम के लिए। और ड्राइंग रूम के लिए हमने यहाँ पर एक सेपरेट टॉयलेट दिया गया है, कॉमन टॉयलेट, इसको कॉमन टॉयलेट भी बोल सकते हैं हम। टॉयलेट का साइज 6 फीट इंटू 9 फीट है दोस्तों। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 फीट बाई 2 फीट का हम इसको रख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं, अब इस फैमिली हॉल के बाद अब बात करते हैं दोस्तों स्टीम रूम की। स्टीम रूम में हमेशा ग्लास डोर का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। स्टीम रूम हमारा 10 फीट 3 इंच इंटू 9 फीट 4.5। अगर आपको स्टीम रूम के बारे में नहीं जानकारी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों। ये लेंथ इसकी 10 फीट 3 इंच रहेगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके जस्ट पीछे बैक साइड में, यहाँ से हमारा एंटर कर जाएंगे। डोर दिया गया 3 फीट 6 इंच का, और जैसे ही हम एंटर करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ पर 14 फीट 6 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक 14 फीट रखा गया है दोस्तों। काफ़ी खुला है, आप देख सकते हैं। वेंटिलेटर के लिए बैक साइड में विंडो दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए कॉमन टॉयलेट रखा गया है दोनों बेडरूम के लिए, आप देख सकते हैं ऐसे हमने दिखाया है। बेडरूम के लिए और मास्टर बेडरूम के लिए कॉमन टॉयलेट रखा गया है। टॉयलेट 6 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट की लेंथ रखा गया है इसका। एज पर रिक्वायरमेंट अगर आप इसको एक बेडरूम के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इसको अटैच कर सकते हैं आप। इस यहाँ से हम इसको डोर को बंद करके हम इसको बेडरूम के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर हमने मास्टर बेडरूम के साथ इसको अटैच करना है तो यहाँ से हम इस दरवाजे को बंद करके अपने इसको हम सेपरेट रूम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। और ये हम जहाँ पर हमने सीबी दिखाया गया है यहाँ दोस्तों हम कपबोर्ड बना सकते हैं, ड्रेसिंग शीशा लगा सकते हैं। बैक साइड में बाहर जाने के लिए दोस्तों ये हमने यहाँ पर डोर दिया गया है। 6 फीट इसकी विड्थ रखी है और लेंथ है इसकी 28 फीट 3 इंच। बैक साइड में आप देख सकते हैं इस रूम के लिए विंडो हो गया, यहाँ वेंटिलेशन के लिए टॉयलेट का अलग से विंडो हो गया, और मास्टर बेडरूम के लिए बैक साइड में और राइट साइड में हमने विंडो दे दिया दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। बैक साइड में प्रोजेक्शन हमने 2 फीट का रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ विंडो सिल और यहाँ तक हमारा 2 फीट है, और यही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फीट हमने इसको रखा है दोस्तों। इसको हम 3 फीट भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फ्रंट ओपन के राइट साइड में आप देख सकते हैं स्टेयर केस दिया गया है यह दोस्तों। यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप शुरू कर सकते हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 नंबर पर हमारी लैंडिंग आ गई। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ से चलते हुए एक लैंडिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये हमारा छत आ जाएगा। यहीं से हम फिर फर्स्ट फ्लोर पे अंदर की साइड एंटर कर जाएंगे। ये प्रोजेक्शन, इसको हम छज्जा बोल सकते हैं। छज्जा हमारा 3 फीट का है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से एक कट में है जिससे हमारा फ्रंट व्यू बहुत ही अच्छा दिखने वाला है दोस्तों। वहीं बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर पर एक टॉयलेट और एक बेडरूम दिया गया है। टॉयलेट का साइज 6 फीट × 9 फीट रखा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हमारा दरवाज़ा इस साइड में था और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ये छत की साइड में हमने इसका डोर दे दिया है दोस्तों। अब स्टेयर पर बात करते हैं तो वही सेम एज इट इज हमारा चलता रहेगा स्टेयर केस। फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम दिया गया है 17 फीट 9 इंच × 13 फीट 3 इंच। वेंटिलेशन के लिए एक विंडो इधर के दिया गया है, एक फ्रंट साइड विंडो प्लस विंडो दिया गया है दोस्तों, इससे फ्रंट लुक भी अच्छा दिखेगा जैसे कि आपको दिखाएंगे हम फ्रंट व्यू में। ये प्रोजेक्शन के लिए राउंड शेप रखा गया है, इसमें एक डिज़ाइन निकाला गया है दोस्तों, आप फ्रंट साइड व्यू में आप देख सकते हैं। बेडरूम में दो डोर हो गए दोस्तों, एक विंडो इधर हो गया हमारा और एक विंडो हमारा ये फ्रंट की साइड हो गया। फर्स्ट फ्लोर पर हमने छज्जे का साइज रखा है 1.5 फीट। अगर हम बात करें कॉलम की तो हम इसमें अब कॉलम डिज़ाइन कर देते हैं दोस्तों। कॉलम साइज हमारा 9 इंच × 9 इंच। अब बात करते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम की, हमने इसमें कितना कॉलम लिया गया है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अलावा बैक साइड में 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम लिया गया दोस्तों। इसमें आप पिलर पे ये मकान आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं हमने डोर के लिए D का प्रयोग किया गया दोस्तों, विंडो के लिए W का प्रयोग किया गया, वेंटिलेटर के लिए V, ग्लास डोर के लिए GD का प्रयोग किया गया है और ग्लास विंडो के लिए हमने GW का प्रयोग किया गया है दोस्तों। जैसे कि हम आपको ऐसे यहाँ दिखा रहे हैं GW, यहाँ हमारा मुंडी के ऊपर ग्लास डोर आ जाएगा जिससे हमारी फ्रंट लुक बिल्कुल ही अच्छी दिखने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हैं 45x49 फीट में हमारा ये नक्शा तैयार हो गया है। इसमें हमें मिलता है 2 नंबर बेडरूम, इसके अलावा एक स्टिंग रूम, किचन, फैमिली हॉल हो गया दोस्तों, ड्राइंग रूम हो गया, एक कॉमन टॉयलेट हो गया और इसके अलावा एक हमारा ये दोनों रूम के लिए कॉमन टॉयलेट हो गया और इसके अलावा एक टॉयलेट हमारा ये बाहर हो गया दोस्तों। और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो हमारा एक बेडरूम ये हो गया दोस्तों, और इसके अलावा इसके साथ ही हमने कि एक टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे, इसलिए आइकन का बटन दबा दीजिए।